दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक पेनी शेयर्स के बारे में, जिसके अगर वैल्यू की बात करी जाए तो मात्र 65 पैसे का ये शेयर है, लेकिन अगर इसके रिटर्न्स की बात करी जाए तो TCS, इंफोसिस, विप्रो लिमिटेड, HCL टेक सभी को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज ही के दिन यानी कि विद इन अ वन डे हमें इस शेयर के अंदर 8.5% तक की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम इसके पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग चार्ट को भी अगर देखें तो लगभग 50% तक के रिटर्न्स पिछले 5 दिन के अंदर इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुके हैं। बात करें कि आज के दिन हमें इस आईटी सेक्टर के पेनी शेयर्स के अंदर क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, तो कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट जैसे ही यहां पर आज के दिन निकल कर आती है, इस कंपनी के अंदर लगभग 21 करोड़ शेयर हमें फ्रेश बाइंग पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहां पर माल उठाया जा रहा है और 1,17,00,000 शेयर्स तो आज के दिन अपर सर्किट के लगने के पहले ही यहां पर खरीद लिए गए थे। तो यहां पर अगर आपने भी इस पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर हम कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर सबसे पहले आप इस शेयर के 52 वीक के हाई और 52 वीक के लो को देखेंगे तो यहीं से आप अंदाजा लगा देंगे कि शेयर्स ने विद इन अ वन ईयर 550% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। जहां आज से ठीक 1 साल पहले ये शेयर्स आपको 5 पैसे पर देखने को मिलता था, वही शेयर्स अभी आपको 65 पैसे पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो टारगेट हैं वो आने वाले 1 साल में 10 रुपये तक के लगाए जा रहे हैं। अगर 10 रुपये पर यह शेयर आ गया तो आप खुद यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिटर्न्स यहां पर आपको विद इन अ वन ईयर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी की कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट बता देता हूं, ताकि यहां पर किसी भी फैमिली मेंबर्स को कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैं यहां पर आपसे कोई नेगेटिव न्यूज शेयर कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आज ही के दिन हमें यानी कि 30 दिसंबर के दिन ही हमें इस कंपनी के अंदर एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। और अगर आप इस कंपनी की कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को भी देखेंगे तो 30 दिसंबर 2021 की आज के दिन अपडेट निकल कर आई है, जो कि यहां पर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी यानी कि Q3 के रिजल्ट से रिलेटेड यहां पर अब हमें खबरें आना देखने को मिल रही है। और जिसको देखते हुए कंपनी अपनी जो इनसाइडर ट्रेडिंग है यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो इस टाइम पीरियड में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड कब से है? 1 जनवरी 2022 से लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स तक, यानी कि कल के दिन लास्ट यहां पर ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है प्रमोटर्स के लिए। उसके बाद में 1 जनवरी 2022 से लेकर अगले 48 घंटे तक यहां पर प्रमोटर्स के लिए पूरी तरीके से ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो Q3 के रिजल्ट हैं वो यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड इन फाइनेंशियल रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए ही, फाइनेंशियल रिजल्ट के आउटकम्स के लिए ही यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी न्यूज़ के कारण आज के दिन हमें इतने नंबर ऑफ शेयर्स फ्रेश बाइंग में आते हुए देखने को मिले हैं। लगभग 21 करोड़ क्वांटिटी आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप नहीं भी समझे तो अगले 2 मिनट में आपको कंपनी का नाम पता लग ही जाएगा। वहीं अगर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर लें तो जिस प्रकार का सेप्टेम्बर क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखने को मिला था, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू तो लगभग 28% से ग्रो हुआ ही था, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगभग 7.85% से ग्रो हुआ था, जिस कारण से कंपनी के ऊपर जो लॉस है वो अब पूरी तरीके से रिकवर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। यानी कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपको ये लॉस बहुत तेजी से रिकवर होते हुए देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब कंपनी के नाम को भी जान लेते हैं। जिस कंपनी के बारे में बात कर लें, उसका नाम है विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड। इस शेयर को बहुत सारे इन्वेस्टर MPS इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, तो यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी नाम से आपको ये शेयर्स देखने को मिलने वाला है, और यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिनिमम 1,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आप इस शेयर के अंदर कर सकते हैं और काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहां से अर्न कर सकते हैं।
इस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बात करी जाए तो 245 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर 20 डे एवरेज वॉल्यूम अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं डेली बेसिस पर हमें 4,83,00,000 शेयर्स तो यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलते ही हैं, यानी कि हर दिन हमें इस कंपनी के अंदर करोड़ों शेयर्स यहाँ पर खरीदते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो एक ऐसे फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए जो कि आपको रिटर्न्स बनाकर दे और यहाँ पर आप किसी भी गलत ट्रिप में बिल्कुल भी नहीं फंसें। अगर वॉल्यूम को एनालिसिस करें, आज के दिन 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई 100% डिलीवरेबल बेस पर। कल भी हमें 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली थी 100% डिलीवरेबल बेस पर। अगर आज से एक हफ्ते पहले की भी बात करें तो 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे 100% डिलीवरेबल बेस पर, यानी कि इस कंपनी के अंदर कोई भी अपने माल को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड के शेयर्स बाय कर रखे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर रखे हैं और किस प्राइस पर बाय कर रखे हैं बताना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़े और बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में, तो यहां पर एक्सपर्ट भी इस पेनी शेयर्स को लेकर काफी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 78% इस शेयर्स को लेकर बाय की कॉल और 10% होल्ड की कॉल निकल कर आ रही है, यानी कि ओवरऑल 88% यहां पर रिकमेंडेशंस आ रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक जो कि हमें 65.55% का देखने को मिलता था वो यहां पर प्रमोटर्स ने रिड्यूस किया है। लेकिन एक और अगर आप यहां पर प्लस पॉइंट देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपने गिरवी शेयर्स को यहां पर छुड़ाया है, यानी कि जो प्रमोटर्स के गिरवी शेयर्स थे 31.77% के, उसे यहां पर रिलीज करवाया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, डेफिनेटली प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हुआ है, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 550% तक के शानदार रिटर्न्स ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। तो यदि आप विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब भी आपको मौका मिले यहाँ पर आप 500 रुपये 1,000 रुपये मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पेनी शेयर से। ऑपरेटर का गेम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जिस कारण से यहाँ पर आपको ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। लेकिन आप बहुत जल्दी रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, कम समय में काफ़ी शानदार प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, रिस्क बियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये शेयर आपके लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी और पेनी शेयर्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में उस पेनी शेयर्स का नाम लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और कंपनी के जिस प्रकार के से कंपनी के पास रिजर्व है, आने वाले टाइम में आपको ये कंपनी बोनस जैसी बड़ी अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।